बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद राशिद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे लोकल सर्वर जेम को इंस्टॉल करना सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का इत्तला मिल सके। जेम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जेम सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में जेम लिखेंगे, जेम डाउनलोड। उसके बाद सबसे ऊपर लिंक को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास अगर विंडोज सिस्टम है तो हम विंडोज के लिए जेम डाउनलोड करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे। जो अभी करंट वर्जन है वो ये जेम का ये चल रहा है, तो हम इसको क्लिक करके हम जेम डाउनलोड करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, मैं वीडियो को पास कर लेता हूं ताकि ये डाउनलोड हो जाए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसलिए दोबारा मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पर बाकायदा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेम को एक्सेस करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे जेम, उसको ओपन करेंगे। अब हमें अपाची और MySQL को स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैंने अपाची को क्लिक किया, ये स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद हम MySQL को स्टार्ट करेंगे। MySQL भी अब स्टार्ट हो रहा है, अब दोनों स्टार्ट हो गए। अब हम इसको क्विट करते हैं। अब हम इसको एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद अब डेटाबेस को अगर एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट phpMyAdmin। जो हमारे डेटाबेसेस हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। हमारा phpMyAdmin जो है वो खुल चुका है। हम यहाँ से जो एक नया एक डेटाबेस बनाना सीखेंगे। अब हम अगली वीडियो में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।